यू आर वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज अजय नारंग। सो आज मैं आ गया हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ, और ये नया प्रोजेक्ट जो है वो ला रहा है गोदरेज। जी हाँ, गोदरेज अपना न्यू हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 89। कहने को तो ये जो प्रोजेक्ट है वो न्यू गुड़गांव में है, बट अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे से बात करोगे, सो द्वारका एक्सप्रेस वे से वॉकिंग डिस्टेंस, जी हाँ मैं वॉकिंग डिस्टेंस की बात करूँ, 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाता है। और अगर अप्रोच की बात करोगे तो 135 मीटर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से इसकी अप्रोच है। सो अभी मैं क्या करूँगा, आगे आपको ड्रोन के थ्रू साइट आपको दिखाऊंगा, लोकेशन के क्या क्या लोकेशन के मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, आसपास कौन सी सोसाइटीज़ हैं, कौन सी सोसाइटी रेडी टू मूव है, कौन सी सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो मैं आपको कंप्लीट जो है डिटेल दूंगा, तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहना और कंप्लीट हम जो है इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कनेक्टिविटी के साथ। ये सामने जो आप रोड देख रहे हो ये है 135 मीटर मल्टीयूटी कॉरिडोर। आप दोनों साइड गैप देख सकते हो रोड के, इस साइड भी और लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड। इतना अभी ये हाईवे अभी और बनेगा, जिसमें आपका सर्विस बेल्ट, ग्रीन बेल्ट ये सब आएगा, और अभी भी 6 लेन आपका हाईवे है। सीधा आपका चला जाता है द्वारका एक्सप्रेस। अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस बात करो द्वारका एक्सप्रेस वे तो 2 मिनट, और अगर आप बाय रोड की बात करो, बाई व्हीकल की बात करो, तो लेस देन 1 मिनट आप द्वारका एक्सप्रेस वे, जहाँ पे NPR CPR का जंक्शन है। फोक के चक्कर में आपको वो कुसुमी के 2 टावर नहीं दिख रहे, अदरवाइज सामने बिल्कुल कुसुमी का प्रोजेक्ट है जिसके पीछे ग्लोबल सिटी है। और आप सीधा आप जाओगे तो YCPR क्लोवरलीफ, क्लोवरलीफ से आप NH8, आप सीधा SPR जा सकते हो, DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जा सकते हो, साइबर सिटी लेफ्ट साइड, डेली साइड, और राइट साइड आप जयपुर जा सकते हो। तो NH8 का भी यहाँ से क्लोवर लीफ भी हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो एक बार आप द्वारका एक्सप्रेस वे जाके तो कहीं भी जा सकते हो। इस तरफ ये आपका SS लीव प्रोजेक्ट है, ये आपका गोदरेज एयर प्रोजेक्ट है। इधर से सीधा आप जाओगे, ये सामने गोल चक्कर जो है दादी सती चौक है, लेफ्ट साइड NH8, राइट साइड आपका पटौदी हाईवे आ जाता है। सीधा चले जाते हो तो मनेसर और KMP एक्सप्रेस वे। लेफ्ट साइड अगर मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊं तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का ही प्रोजेक्ट है, गोदरेज एयर, इस साल ये रेडी टू मूव हो जाएगा ये। और आगे द्वारकाधीश का कमर्शियल है, फिर आगे पिरामिड का प्रोजेक्ट है। इधर आपका राइट साइड RV हॉस्पिटल है, RPS सेंट जेवियर स्कूल आ जाते हैं, सीधा भी आपका एक ऑपरेशनल हॉस्पिटल आ जाता है, और हर चीज़ आपको यहाँ पर ऑपरेशनल मिलेगी न्यू गुड़गांव के अंदर। ये आपका गोदरेज एयर प्रोजेक्ट है। आपका पीछे आपका ओरिस एस्टर कोट प्रीमियम प्रोजेक्ट है, वो भी रेडी टू मूव चीज़ है। 4 BHK इन्वेंट्री यहाँ पे अवेलेबल है। गोदरेज एयर में भी रीसेल इन्वेंट्री मेरे पास है, आप बात कर सकते हो गोदरेज एयर के अंदर। अच्छा प्रोजेक्ट ये भी निकल के आ रहा है, माई 1 कंस्ट्रक्शन है। ये आपका SS लीव प्रोजेक्ट है। और अब हम चलते हैं अपनी साइट की तरफ। ये आपका अगेन सीधा द्वारका एक्सप्रेस वे, ये आ जाता है सेक्टर 89, और ये आपकी सामने साइट है जो बैरिकेडिंग हुई हुई है। अप्रोच मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं इधर से अप्रोच है। एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड का रूम भी बना हुआ है, राइट साइड की बात कर रहा हूँ मैं। और सीधा आप जो देख रहे हो वो इनका सेल्स गैलरी बन रही है, और इनका जो है सैम्पल अपार्टमेंट भी यहाँ पर रेडी हो रहा है। 14 एकड़ की साइट है ये, आपकी कंप्लीट साइट आ जाती है। ये जो रोड है सामने, अगर आप देखो रोड भी सीधा आपका पटौदी हाईवे जाता है, और बैक साइड जो आप लो राइज देख रहे हो इस प्रोजेक्ट के बैक साइड में, वहाँ स्मार्ट वर्ड जेम्स एंड M3M सॉलिट्यूड, जो इनके लो राइज फ्लोर आए थे शुरू में, इनिशियली जो आए थे, जिनका पोजेशन अभी इस साल प्रपोज्ड है, तो अराउंड 2000 यूनिट है, वो भी रेडी टू मूव होने वाली है। और ये आपकी है गोदरेज की साइट, 14 एकड़ की साइट है, जो कि अभी प्री लॉन्च के अंदर है। अगर मैं लोकेशन एडवांटेजेस और बात करूं तो यहां से जो सीधा रोड जाता है, सामने रोड के उस तरफ सेक्टर 88 है, जिस 400 एकड़ में 88 सेक्टर, जो कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर है, और इसमें DLF की काफ़ी लैंड है, और DLF यहां पे ऑफिस स्पेस कमर्शियल आगे लेके आएगा। AIPL की भी लैंड है, बेस्टेक की भी लैंड है। ये आपका ओरिस का प्रोजेक्ट है, ओरिस ग्रीन पॉलिस। पीछे आपका एस पाम फ्लोर है, एस पाम फ्लोर की काफ़ी बड़ी टाउनशिप है,
और उधर आगे आपका आरवी हॉस्पिटल है, आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल है, डीएलएफ गार्डन सिटी के फ्लोर्स भी हैं जिसपे कंस्ट्रक्शन अपडेट लास्ट टाइम मैंने डाला था। यहाँ से आप सीधा जाओगे तो दादी सती चौक से 2 मिनट के डिस्टेंस पे आपका एसएस का न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है SS90 के अंदर, और सीधा सिग्नेचर ग्लोबल 93 फ्लोर भी अप्रोच रोड यहाँ से आती है, और डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव 93 आशियाना हमारा, ये सारे प्रोजेक्ट की अप्रोच रोड 135 मीटर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। न्यू गुड़गांव पे मैं इसलिए भी बुनिश हूँ क्योंकि न्यू गुड़गांव में आपको हर चीज़ ऑपरेशनल मिलती है। द्वारका एक्सप्रेस में फिर भी 2-3 साल लगेंगे चीज़ें कुछ ऑपरेशनल होने में, बट यहाँ पे आपका स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूलों में आरपीएस, सेंट जेवियर, मैत्री किरण, यदुवंशी स्कूल ऑपरेशनल, और भी काफ़ी स्कूल हैं। हॉस्पिटल में आरवी हॉस्पिटल, सिल्वरस्टोन हॉस्पिटल, मल्टी आर्क हॉस्पिटल ऑपरेशनल है, कमर्शियल आपको ऑपरेशनल मिलेंगे, बल्कि हर चीज़ ऑपरेशनल मिलती है। और ये जो साइट है, साइट के एडवांटेजेस बहुत हैं। आगे आप सीधा जाओगे करसूमी के पीछे ग्लोबल सिटी है, सेक्टर 88 में कमर्शियल, फुली कमर्शियल सेक्टर है, 84 में आपका ISBT आने वाला है, RRTS कॉरिडोर यहाँ पे बनने वाला है, हेलीपैड की भी बातें चल रही हैं, और 135 मीटर रोड तो है ही। और सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे जाने के बाद तो आप कहीं भी जा सकते हो, दिल्ली साइबर सिटी या कहीं भी गुड़गांव में किसी कोने में जा सकते हो, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे आपका कोई रेड लाइट नहीं है, कोई गांव टचिंग नहीं, कोई आपका ब्रेकर नहीं, और कहीं ना कहीं ऑपरेशनल भी इलेक्शन से पहले होने वाला। और द्वारका एक्सप्रेस वे वॉकिंग डिस्टेंस आप देखोगे तो 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। राइट साइड जो आप लैंड देख रहे हो वो SS की लैंड है, जिसमें SS से लिंडन फ्लोर्स हैं, SS लीफ है, प्लॉटिंग भी इनकी अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये पूरी लोकेशन है जिसे मैंने आपको साइट भी दिखाई, इनकी अप्रोच भी दिखाई, और आसपास की सोसाइटीज़ ये आ जाती हैं। चलता हुआ रोड है आपका, और अब हम आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट की डिटेल की, जो भी टेंटेटिव डिटेल अवेलेबल है अब हम उसकी बात करेंगे आगे। हमारी लोकेशन, कनेक्टिविटी, मैंने आपको कंप्लीट साइट व्यू भी करवाया है, और जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बोला था कि लोकेशन के एडवांटेजेस काफ़ी हैं, जैसे कि 135 मीटर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे है, सेक्टर 88 के पास है, कंप्लीट कमर्शियल सेक्टर है, आपका ISBT जो है 84 में प्रपोज्ड है, इसके अलावा RRTC कॉरिडोर आना है, और करसूमी के पीछे आपकी जो है ग्लोबल सिटी भी आ रही है। तो मल्टीपल लोकेशन एडवांटेजेस हैं, CPR के थ्रू आप क्लोवर लीफ और क्लोवर लीफ से आप कहीं भी आप जा सकते हो। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब हम प्रोजेक्ट के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। बिल्डर जैसे कि आपको पता है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, और मार्केट लिस्टेड बिल्डर है, और अगर मैं बात करूँ तो 1990 में कंपनी बनी थी और 2010 में जो है मार्केट में लिस्ट हुए थे। पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है, जैसे कि दिल्ली NCR, आपका जो है चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, मैंगलोर, मल्टीपल सिटीज़ में इनके प्रोजेक्ट्स हैं, और बैक टू बैक जो है इनके प्लान भी हैं। गुड़गांव की बात करूं, अच्छी खासी प्रेजेंस है, 15+ इनके प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ गोदरेज मेरिडियन, गोदरेज नेचर प्लस, गोदरेज एयर, गोदरेज 1-on-1, रिसेंटली जो इनके प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो गोदरेज अरिस्टोकैट जो कि एक ही दिन में सोल्ड आउट हुआ था, 4 crore से ऊपर का प्रोजेक्ट था, गोदरेज अरिस्टो और गोदरेज एयर, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं इनके गुड़गांव के अंदर। और अब हम प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो प्री लॉन्च के अंदर ये प्रोजेक्ट है, और जो इनका रेरा एक्सपेक्टेड है फरवरी में, इनका रेरा एक्सपेक्टेड है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रेरा में कई बार थोड़ा बहुत डिले होता है, तो कई बार लोग क्या पकड़ के बैठ जाते हैं उस चीज़ को कि सर आपने तो फरवरी में बोला था। सो फरवरी में इसका जो है रेरा एक्सपेक्टेड है। और अगर मैं साइट की बात करूँ, सो 14 acres की साइट है, 9 towers है, 900 units है, हाई रेज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, 32-35 stories हाइट है। और कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो 3 sizes हैं, 2BHK, 3BHK एंड 4BHK, साइजेस का जो वो रहेगा स्क्वायर फीट वो आपका रहेगा 1400 से 2800, 1400 से 2800 की कॉन्फ़िगरेशन आपकी रहेगी। 2BHK आपका 1400 के आसपास रहेगा, और जो आपका 3BHK है 1800 से 1900, और जो आपका 3BHK है सॉरी 4BHK है वो आपका रहेगा 2500 से 2800 स्क्वायर फीट का साइज रहने की पॉसिबिलिटी है। सो इसमें प्लस पॉइंट एक ये जो आप नोट कर पा रहे होंगे, 1400 स्क्वायर फीट का साइज़ आ रहा है,
जी हाँ, सो जितने भी हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट देखे हैं, 1400 स्क्वेयर फीट का प्रोजेक्ट में कोई भी आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी। सो गोदरेज काफ़ी सोच समझ के ला रहा है। सो जो सैलरी क्लास है या प्रॉपर एंड यूज़र देख रहे हैं इस साइज़ में, सो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस हिसाब से आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट को। और अगर हम बात करें अदर स्पेसिफिकेशंस की, सो मोल्डर किचन दे रहे हैं और वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं, ड्राइंग डाइनिंग और उसके अंदर आपकी, और इसके अलावा जो है डबल हाइट आपकी लॉबी है। ये सारे स्पेसिफिकेशन है, बाकी सारी टेंटेटिव डिटेल है। और भी स्पेसिफिकेशन का जैसे आएगा तो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। सो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर टिक कर लें, ताकि जो है ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो आपको मिल जाए। बात कर लेते हैं इसकी क्लब हाउस की। सो 41,000 स्क्वेयर फीट का इसके अंदर आपको क्लब हाउस मिल रहा है, 4 स्टोरी, और हाफ ओलंपिक साइज किड्स पूल मिल रहा है इसमें आपको, फुल ओलंपिक साइज आपको पूल मिल रहा है, स्विमिंग पूल मिल रहा है एडल्ट के लिए, जो कि आपका टॉप पे रहेगा। और भी अच्छी स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर है, जैसे 100 मीटर का ट्रैक है जो आज तक आपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं देखा होगा। और भी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो जब आप आते हो साइट विजिट करते हो तो कंप्लीट आपको डिटेल बताते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उस पर, तो टेनिस कोर्ट है, स्क्वैश कोर्ट है, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ भी काफ़ी लेके आ रहे हैं, तो एक लग्जरी प्रोजेक्ट जो है देने की कोशिश की है। बाकी आसपास हैबिटेशन की बात करें तो वो जैसे मैंने साइट व्यू के टाइम पे आपको आसपास सोसाइटीज़ के बारे में बताया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू गुड़गावा के अंदर आपको हर चीज़ ऑपरेशनल मिलेगी। सो अब हम चलते हैं हमारे पेमेंट प्लान की तरफ। सो पेमेंट प्लान इनका जो है वही CLP रहने की पॉसिबिलिटी है, जो 20% आपका जो है ये 60 to 90 days में ले लेंगे, और फिर उसके बाद 1 year जैसे नॉर्मली आपके CLP और PLP प्लान्स होते हैं, और इस हिसाब से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो आसपास जो इसके सोसाइटीज़ हैं उसमें किस जो है पर स्क्वायर फीट पे जो है चीज़ें ट्रेड हो रही हैं वहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ कुरसुमी की, सो कुरसुमी में आज की डेट में रीसेल में 15,500 से 16,000 स्क्वायर फीट में जो है आपको चीज़ मिलती है। और न्यू लॉन्च तो आपको पता ही है, वो थर्ड फेज लेके आ रहे हैं 21,000 से 22,000 के रेट पे। गोदरेज एयर की बात करोगे 13,000 से 13,500 के पास आसपास चीज़ें ट्रेड होती हैं वहाँ पे। इसके अलावा अगर थोड़ा आप आगे जाते हो SS में 15,000 के आसपास, और इस हिसाब से जो आसपास चीज़ें आपकी ट्रेड हो रही है। मैं सिर्फ हाई राइज रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, जो भी आपके अंडर कंस्ट्रक्शन आपके प्रोजेक्ट हैं। बात कर लेते हैं इसके EOI की। सो EOI का प्रोसेस इसका ऑन है, उसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हो। बताने की जरूरत नहीं है कि EOI पे क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। लास्ट सेगमेंट पे हमारे चलते हैं, प्राइजिंग की बात कर लेते हैं। तो जो इसका प्राइजिंग जो आपका इसका है, वो प्राइजिंग कंपनी जो अभी आस्किंग कर रही है वो 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास जो है लॉन्चिंग की बात कर रही है। बट एक्चुअल में इसमें अच्छे खासे डिस्काउंट आपके अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए हुए नंबर पे बात करनी पड़ेगी, ताकि मैं आपको बताऊं कि कितना आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। फिर भी टेंटेटिव आप लगा के चलो 2.50 के आसपास अगर आपका बजट है तो आप इसमें देख सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ छोटे साइज़ की, जो 1400 स्क्वायर फीट के आसपास है। और मेरे ख्याल से जो सैलरीड क्लास अच्छा लिस्टेड बिल्डर का विद गुड लोकेशन जो देख रहे हैं विद 4 year पेमेंट गुड पेमेंट प्लान, सो आई थिंक ये प्रोजेक्ट उनके लिए है, ये आप उसमें देख सकते हो। बाकी तो इन्वेस्टर हर प्रोजेक्ट के अंदर आते ही हैं। और ये हमारी जो है कंप्लीट जो हमारी डिटेल थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो ये था आज का हमारा वीडियो, गोदरेज जो अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 89 में। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, आप मेरे से बात कर सकते हो। और EOI के प्रोसेस के लिए मैंने जैसे आपको बोला है, EOI प्राइजिंग क्या आपका क्या डिस्काउंट मिलेगा EOI के अंदर, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप मेरे से बात कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके जाना। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके अलावा जो है मेरे गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो गुड़गावा के अंदर, सो उसमें भी आप जो है अपनी डिटेल फिल कर सकते हो, मैं या मेरी टीम में से कोई आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।